और उमा भट्ट स्कूल की तालबा थी जब उन्होंने शायरी का आगाज किया। उनकी तख्लीकात अखबारात और अदबी जराइद में छपना शुरू हुई तो अदबी हलकों ने फौरी नोटिस लिया। फिर यूं हुआ कि खानगी अमूर में उलझ गईं, बच्चों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। वो औलाद की अच्छी तरबियत करने की मुतमन्नी थी। पहली नज़म मैंने लिखी जब मैं 9th में थी, तो तब अताउल हक कासमी उस ज़माने में नॉयवक्त में ना अदबी एडिशन के इंचार्ज थे, तो मैं बड़ी डरी हुई थी। फर्स्ट टाइम लिखी तो मैंने इनको भेजी और मतलब इतनी मुझे खुशी हुई कि उनका मुझे फ़ोन आया कि आपकी मैंने इसलाह कर दी है और आपकी फलानी फलानी डेट में ना आपका आ रहा है पेपर में, आपकी गज़ल आ रही है। रोमाबाद के शोहर डॉक्टर हैं। रोमा दो बेटियों और एक कमसिन बेटे की माँ है। इंतहाई मुतमईन जिंदगी बसर कर रही हैं। बैरून मुल्क सियारों सियाहत भी कर चुकी हैं। वो कनात और सादगी पसंद खातून हैं। वतन की मोहब्बत उनकी शायरी के नए मरहले का बाइस है। वो जिंदगी के दीगर मसाइल भी जब्ते तहरीर में लाती हैं, तो एक मंझी हुई शायरा की तरह माँ रोमा भट्ट की आइडियल शख्सियत है। जो अपने वतन से मोहब्बत है, जो मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर पैदा किया, और इसके लिए मैंने एक लिखी है, अभी अभी एक बार में छपी है, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे वतन के हर एक फर्द को खुशी दे दे, कभी जुदा ना हो लब से तो वो हंसी दे दे। हर एक दिल को भरोसा है रहमतों पे तेरी, हर एक दिल को भरोसा है रहमतों पे तेरी। जिसे तमन्ना है जिसकी उसे वही दे दे। उम्र बढ़ने के साथ साथ रोमा भट्ट की शायरी में फुर्ती आती। खुश शायद बात यह है कि वो जल्द ही अपनी तख्लीकात को शेरी मजमूए की शक्ल देने का इरादा रखती हैं। आने वाला वक्त उन्हें सिका शायरों की सब में शामिल कर देगा। फैज़ अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, नासिर काजमी, परवीन शाकर समेत उन्हें असाज़ा का कलाम बहुत ही पसंद है। कैमरा मैन नासिर मसूद के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42।